मैं जानता हूँ कि तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहते कि बिली बुचर मर जाए, बट गेस व्हाट, बुचर को खुद ह्यूई अपने हाथों से मारता है कॉमिक्स के अंदर। अब पूरी बात जानने से पहले मैं चाहूंगा तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो होमलैंडर की डेथ के बाद बुचर एक ऐसा बॉम्ब बनाता है जिसे उसने कंपाउंड वी से मॉडिफाइड किया था, और ये बॉम्ब एक बार में सभी सूप्स को ठिकाने लगा सकता था। पर मिल को जैसे ये बात पता चलती है वो बुचर से लड़ने पहुंच जाता है, पर बुचर एमएम के चेहरे पे ग्रैंड फैक्टर उसे वही मार डालता है। अब फ्रेंची और किमी को इसे ना रोके तो बुचर इनके अपार्टमेंट में भी एक पहले से ही बॉम्ब प्लांट कर देता है और इन्हें भी मार डालता है। अब बचता है ह्यूई जो पहुंच जाता है एम्पायर की बिल्डिंग में बुचर को कन्फ्रंट करने के लिए, जहां इनके बीच घमासान होता है और ये दोनों बिल्डिंग के विंडो से नीचे गिर जाते हैं, जिसमें ह्यूई बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और बुचर पैरालाइज्ड। तभी बुचर ह्यूई को बताता है कि तेरे यहाँ आने से पहले मैं तेरे माँ बाप को मार के आ रहा हूँ। ये सुनकर ह्यूई को फिर से गुस्सा आ जाता है और बुचर के सीने पर छुरा घोंप कर उसे वहीं मार डालता है। पर बाद में ह्यूई को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स तो बिल्कुल ठीक है, और बुचर एट लास्ट एक स्माइल के साथ मौत को गले लगा लेता है। देखो भाई, अगर कायदे से देखा जाए तो ह्यूई को अपने हाथों से एट्रेन को मार देना चाहिए। एंड गेस व्हाट, कॉमिक्स में ह्यूई ने एट्रेन को बड़ी ही गंदी मौत दी थी। इन कॉमिक्स एट्रेन अपने आगे किसी को भी कुछ नहीं समझता, और ठीक सीरीज की तरह ही कॉमिक्स में भी भागते हुए ह्यूई की गर्लफ्रेंड रॉबिन को भी गलती से चीथड़े उड़ा के मार डालता है और रिएक्ट ऐसे करता है कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। तो जब होमलैंडर व्हाइट हाउस पर अटैक करता है तो एट्रेन इस लफड़े पे नहीं पड़ता और डिसाइड करता है कि वो कुछ हफ्तों की छुट्टियों पर जाएगा। बस फिर क्या था, बुचर भैया ने इस बात का फायदा उठाया और एट्रेन को कैप्चर कर लिया, और बुचर चाहता था कि ह्यूई अपना बदला एट्रेन को जान से मार कर ले, पर ह्यूई अब अपना बदला लेने में इंटरेस्टेड नहीं था। तभी बुचर एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है जहां सेवन के मेंबर्स रॉबिन की डेथ का मजाक उड़ा रहे होते हैं, इससे ह्यूई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एट्रेन उस वक्त गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। तभी बुचर एक और रिकॉर्डिंग प्ले करता है जिसमें सेवन बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने स्टारलर के साथ भी क्या क्या किया है, जिसे सुनकर ह्यूई सीधा एट्रेन के चेहरे पर एक जोरदार किक मारता है जिससे एट्रेन का सर अलग और धड़ अलग हो जाता है। तो क्या होमलैंडर को माना जा सकता है? अब अगर इस सवाल का जवाब भी जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो भाई हाँ, होमलैंडर को मारा जा सकता है और ऐसा द बॉयज से कॉमिक्स में हो भी चुका है। तो कॉमिक्स में जब होमलैंडर पूरी तरह से पगला जाता है तो वो व्हाइट हाउस जाता है और वहाँ यूएस प्रेसिडेंट को मार डालता है। तभी वहाँ बिली बुचर आता है होमलैंडर का सामना करने, पर उन दोनों के बीच जब फाइट शुरू ही होती तभी वहाँ ब्लैक नोवर आ जाता है और अपना मास्क हटाता है, और तब हमें पता चलता है कि ये ब्लैक नोवर तो होमलैंडर का ही एक क्लोन था। ब्लैक नोवर बताता है कि वो सारी बद से भी बदतर चीज है जो होमलैंडर को लगता है कि उसने की है वो दरअसल मैंने की थी। यहाँ तक कि बुचर की वाइफ को भी ब्लैक नोवर ने ही मारा था, जिसके बाद होमलैंडर अपने पूरे डीप रेज में आ जाता है और पूरी ताकत से क्लोन को मारता है, पर अंत में होमलैंडर के ही चीथड़े उड़ जाते हैं और वो क्लोन जीत जाता है। पर ये जीत भी क्लोन को ज्यादा देर तक के लिए नसीब नहीं होती, क्योंकि तभी बुचर उस क्लोन के दिमाग में सरिया घुसा देता है और उसके दिमाग का टुकड़ा निकाल लेता है और उसकी आंखों के सामने ही उसके भेजे को मसल रहा होता है।